हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम अंकित भयानपुरिया सर की ड्राइंग करने वाले हैं। तो गाइज, इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहां पर A4 साइज के 200 GSM वाले ब्रुश्टो पेपर का यूज करने वाले हैं। एंड गाइज, इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहां पर ग्रिड मेथड का यूज करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्रॉइंग ग्रिड ऐप का यूज करके रेफरेंस फोटो के ऊपर कम्प्लीट ग्रिड लाइन्स को क्रिएट कर दिया है। तो गाइज, इस रेफरेंस फोटो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। तो गाइज, अगर हमें सेम रेफरेंस फोटो जैसे ग्रिड लाइन्स अगर ड्रॉइंग शीट में भी बनाना है तो पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना होगा। तो चलो पहले कर लेते हैं। तो गाइज, पेपर पर ग्रिड बनाने के लिए मैं सबसे पहले पेपर के ऊपर की तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, सेम पेपर के ऊपर की तरह नीचे भी वैसे ही मैं 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। एंड गाइज, इसके बाद अब मैं पेपर के दोनों तरफ वैसे ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क कर रहा हूँ, पर इस बार मैं 28 सेमी तक मार्क करूँगा। तो गाइज, मैंने पेपर पर चारों तरफ मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद गाइज, ये जो पेपर के दोनों तरफ डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स को मैं आपस में एक लाइन में मैच कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, मैं यही सेम चीज पेपर के अपोजिट साइड में भी कर रहा हूँ। पेपर के अपोजिट साइड में भी ये जो दोनों तरफ डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स को मैं आपस में एक लाइन में मैच कर रहा हूँ। तो गाइज, मैंने पेपर पर दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद गाइज, ये जो रेफरेंस फोटो में मुझे नंबर दिख रहे हैं, ऐसे ही सेम नंबर अब मैं ड्रॉइंग शीट में भी लिख रहा हूँ। तो ओके गाइज, रेफरेंस फोटो की तरह सेम ग्रिड लाइंस मैंने ड्राइंग शीट में भी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद गाइज, मैं रेफरेंस फोटो में ये देखूंगा कि आई किस बॉक्स में है, एंड गाइज उसी बॉक्स से मैं ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3। तो गाइज, यही मार्कअप मैं पेपर में भी कर लेता हूँ। तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3। तो गाइज, अब मैं सिंपली यहाँ से ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ।